बात अगर शिक्षा की करी जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बुरा हाल है। आखिर बुरा हाल क्यों ना हो, वजह यह है कि नौनिहाल प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन उनसे शिक्षा देने की बजाय भोजन बनवाया जाता है। आखिर क्यों, आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालय सोफा में नन्हे ननिहालों के प्रधानाचार्य द्वारा खाना बनवाया जाता है, जबकि शासन द्वारा प्रत्येक विद्यालय में खाना बनाने के लिए एक रसोईया नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ स्कूली छात्र खाना बनाते दिख रहे हैं और रसोईया गायब है। लेकिन जब इस मामले की जानकारी ABRC खैर के करनी चाहिए तो उनके द्वारा विद्यालय के कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की बात कही गई। बनाने आते हो या पढ़ने के लिए आते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सोफा में। तो यहाँ भी तुम खाना बनवा रही थी, किसके कहने पर बनवा रही थी? तो यहाँ और भी टीचर मौजूद हैं? क्या नाम है उनका? यहाँ जो टीचर वर्कन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनका क्या नाम है? सलीम। सलीम खान। तो यहाँ किस पद पर तैनात है सर? जी प्रधान। तो सर ये बच्चे अभी रोटी बना रहे थे, कुछ वीडियो पाई गई हैं, इसमें क्या कहना है आपका? सर ऐसा है, मैं तो आप देख ही रहे हैं कि मैं जो है ड्रेस स्वेटर वितरण कर रहा हूँ। जी। अब उधर ये रसोईया ले गई, क्या पता क्या है। जब मैं सामान पहुँचाने के बाद मैं तो इधर मतलब स्वेटर बांटने प्रधान जी के साथ लग गया। जी। और जो है इधर अध्यक्ष भी थे समिति के। जी। उसके बाद आप उधर पहुँचे तो मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पता नहीं चला। लेकिन इस बात को मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें स्वेटर वितरण लगा हुआ था। जैसे कि आपकी निगरानी में ये सारे काम आते हैं, जैसे कि रसोईया जी, सारी डिटेल्स आपकी निगरानी में आते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है कि ये रसोईया मतलब क्या कर रही है, इतना देखने का मेरा फर्ज है। लेकिन अब बाद में ये कैसे किसे बुला के ले गई, अब ये भी तो है, बच्चे पेशाब के बहाने विद्यालय की बाउंड्री नहीं है, उधर बच्चे चारों तरफ चले जाते, पेशाब के बहाने चले जाते, उधर से बाउंड्री नहीं है। दूसरी बात है कि इधर नल पानी पीने के लिए नल अंदर होना चाहिए, नल बाहर लगा हुआ है। क्या ये बच्चों के जो साथ हुआ है, क्या ये गलत नहीं था? देखिए, संबंधित प्रधानाध्यापक को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए 15 तारीख को, क्योंकि कल का अवकाश है, 15 तारीख को इनको नोटिस जारी कर दिया जाएगा और 16 तारीख को इनको प्राप्त करा दिया जाएगा। तो इनका पक्ष लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश विदेश की, राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।